वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। 2024 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। अगर मुरादाबाद मंडल की बात करें तो मुरादाबाद मंडल में 6 में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के द्वारा जीत हासिल की है, वहीं एक लोकदल की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीत हासिल करी है। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नगीने से जीत हासिल की है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के पत्रकार हैं, सीधा उनसे जानेंगे। अगर बात करें मुरादाबाद की मंडल की सीटों को लेकर क्या किस तरीके का पूरा विश्लेषण रहा है? मुरादाबाद मंडल में 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन को गई, 2 सीटें एनडीए को और एक चंद्रशेखर रावण जो इंडिविजुअल अपने लड़े, उन्होंने जीत दर्ज की। मुरादाबाद में रुचि वीरा जो सर्वेश जी के मैदान में ना होने की वजह से उन्हें एक तरीके से वॉक ओवर मिल गया और उन्होंने जीत दर्ज कर ली। रामपुर में आजम खान की जीत थी कि शिवपाल अखिलेश जी चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश जी ने जिन प्रत्याशी को वहाँ चुनाव के लिए उतारा उन्हें माना जा रहा था कि वो बिल्कुल ही जीरो हैं, उन्हें ना राजनीति का ज्ञान है, कुछ नहीं है, वो चुनाव किसी कीमत पर नहीं जीत सकते। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वो भी 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की तो रामपुर की राजनीति में एक नया चेहरा सामने आ गया। संभल की बात करें तो संभल में वर्कशॉप के निधन के बाद उनके पोते को टिकट हुआ तो एक सहानुभूति का वो वोट जो था वो उनको मिला और जो उनकी बिरादरी का वोट है वो बहुत अच्छी संख्या में है, जिसकी वजह से उनको जीत दर्ज हुई। अमरोहा के अंदर कुंवर दानिश अली सांसद थे कांग्रेस से, बसपा से गठबंधन, पिछली बार गठबंधन से बसपा से प्रत्याशी थे, वो जीत दर्ज की। उनका हारने का एक वजह कर ये रही कि वो फील्ड में अपने जीतने के बाद वो फील्ड में कम दिखाई दिए। स्थानीय मुद्दों को भले ही उन्होंने संसद में उठाया, उस पर काम भी किया, लेकिन वो फील्ड में नहीं दिए। लोगों के साथ जो एक वार्तालाप होती है, अट्रैक्शन होता, वो नहीं हो पाए। अभी जब उन्होंने संसद में उनके साथ क्या कहते हैं उल्टी सीधी बातें कही, तो उन्होंने एक ये मान लिया था कि मैं एक मुस्लिम होने के नाते एक मैं बहुत बड़ा चेहरा हो गया हूँ कि मेरे लिए संसद में इस तरह की बातें, लेकिन उस चीज़ को भी वो भुना नहीं पाई। जो कंवर सिंह तंवर हैं, कंवर सिंह तंवर पहले सांसद रहे हैं और लगातार उनका अमरोहा आना जाना रहा है, उनके चैरिटी के हॉस्पिटल चलते हैं, एम्बुलेंस उन्होंने लगा रखी हैं, लोग जो उनके पास मदद के लिए जाते हैं उनकी मदद करते हैं, तो उनके प्रति लोगों की सहानुभूति थी, इसलिए उन्होंने जीत दर्ज की। और बिजनौर के अंदर जो क्या कहते हैं रालोद का प्रत्याशी जो था वहाँ पर जाट वोट और ठाकुर वोट, मतलब एक तरीके से ये था कि वहाँ भाजपा शुरू से ही वहाँ मजबूत दिखाई दी और उन्होंने जीत दर्ज की। नगीना में जिस तरीके से चंद्रशेखर ने टिकट मिलने, उनका गठबंधन में बातचीत चल रही थी कि भाई समाजवादी से टिकट मिल जाए मैं लड़ जाऊं या रालोद से मुझे टिकट मिल जाए मैं लड़ जाऊं, उससे पहले से ही उन्होंने जनसभाएं शुरू कर दी थी, गांव-गांव जाकर साइकिल यात्रा निकाल के लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। और चंद्रशेखर एक दबंग नेता है, हर व्यक्ति चाहे वो किसी विधायक हो, सांसद हो या पार्षद कोई भी हो, तो उसके क्षेत्र की जनता यह चाहती है कि मैं जब अपने प्रत्याशी के पास या जो मेरा सांसद बना उसके पास मैं अपनी समस्या लेकर जाऊं, तो उस समस्या को लेकर थाने चौकी अधिकारी के पास जाके मेरी बात को रखे और मांग को उठाए और मेरे साथ हर जगह सड़क से लेकर कहीं हर जगह तक मेरे साथ खड़ा रहे। वो चंद्रशेखर ने पिछले कई सालों में इस तरीके की छवि बना ली और जिसकी वजह से चंद्रशेखर बहुत भारी बहुमतों से जीत हासिल। जगत, अगर बात करें मुरादाबाद लोकसभा के चुनाव का, अगर आपने अच्छा मुकाबला रहा दोनों का, जीत का फैक्टर क्या मानते हैं? देखिए, जीत का फैक्टर यही है उनका कि जो सर्वेश सिंह हैं वो कैंपेनिंग में अपनी कैंपेनिंग नहीं कर पाए और जो रुचि वीरा के द्वारा जो कैंपेनिंग की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से की गई है, लोगों तक वो जुड़ी हैं, लोगों से उन्होंने मांग की है, साथ में अपने जो कार्य वो करेंगी वो भी गिनाए हैं। साथ ही साथ में लोगों के मन में एक ये भी था कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सर्वेश सिंह वो तो आ ही नहीं रहे हैं फील्ड में, तो वो क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और देखा गया कि उनका निधन भी हो गया, तो ये भी एक फैक्टर रहा है। साथ ही साथ ये भी एक फैक्टर रहा है कि कैंपेनिंग जो उनके द्वारा की गई वो एक जगह नहीं की, पूरे लोकसभा में की गई, हम ग्राउंड्स पे थे, हमने देखा गया कि वो एक जगह कभी होती थी कभी दूसरी जगह होती थी, लगातार उनके जो पूरी टीम थी वो अलग अलग जगह पे कैंपेनिंग लगातार की जा रही है, कैंपेनिंग बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन जो मेन कहते हैं ना कैप्टन है वो नहीं था,
सर्वेश सिंह नहीं थे, जिसकी वजह से हार देखने को मिली है। और देखा गया कि ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा है बीजेपी की तरफ से, कि 400 पार का जो नारा है उसकी तरफ से सीट को हल्के में लिया और रुचि वीरा को हल्के में लिया कि एसटीएसएन का टिकट कटा है तो नाराजगी होगी लोगों में, लेकिन लोगों ने वो चेहरा देख के वोट नहीं किया, लोगों ने सीधे इंडिया गठबंधन को वोट दिया, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। और कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी वजह रही है। अगर बात करें आरम्भ है रामपुर की, तो रामपुर में एक प्रत्याशी को बाहर से भेजते हैं और उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करी, क्या कुछ कहना है, क्या सोचते हैं? देखिए, जब समाजवादी पार्टी ने ये बात रखी कि रामपुर से भारी प्रत्याशी नहीं है, रामपुर के प्रत्याशी उतारा जाए, तो आजम खान साहब की कोई नाराजगी थी जिससे कोई भी तैयार नहीं हुआ, इस वजह से समाजवादी पार्टी को बाहर से, वो इमाम साहब हैं और वो बाहर से दिल्ली के इमाम हैं, दिल्ली मस्जिद के, तो वो वहाँ आए और वहाँ आकर के समाजवादी के सिंबल से गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव वहाँ आके लड़ा। उन्हें खुद को उम्मीद यही नहीं थी, जिस दिन मतदान चल रहा था उस दिन उनकी इतनी वीडियो वायरल हुई कि ये लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे, मगर जैसे कि 4 जून को देखा गया कि वो 1 लाख से भी अधिक वोटों से जीत गए। और जो भाजपा के सांसद मौजूदा थे घनश्याम सिंह लोधी जी, वो हार गए क्योंकि उन्होंने उपचुनाव लड़ा था, आजम खान साहब के जेल के जाने के बाद चुनाव हुआ था रामपुर में, जो वो जीत गए थे। पर ऐसा नहीं है, उनकी भी कोई बुराई नहीं है, अच्छे व्यक्ति हैं। और वजह तो यही रही क्योंकि मन जनता ने बना लिया था कि गठबंधन को जिताना है, इस कारण उनकी हार देखने को मिली है। और जो गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी के सिंबल से लड़े हैं रामपुर से इमाम साहब, वो 1 लाख वोटों से अधिक से जीते हैं। अब देखना ये होगा कि अब रामपुर में क्या होता है, क्योंकि अभी आजम खान साहब राम जेल में हैं फिलहाल, सीतापुर में, उनकी जो पत्नी है वो रिहा हो चुकी हैं। अब ये सरकार बनने के बाद वहाँ मीटिंग भी होगी, मीटिंग में जो भी निर्णय होगा किस तरीके से वो काम करें ये तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल वो तो उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा से जीत हासिल कर ली है। जी शारिफ भाई, लगातार चुनाव कवरेज कर अहमदाबाद मंडल में भी अलग अलग स्थानों पर गए, क्या मानते हैं जीत का कारण अलग अलग लोकसभाओं का? जब से इंडिया गठबंधन बना और गठबंधन में जितने भी नेता थे, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, या जो भी उनके साथ उनके जो घटक दल हैं उनके, उन्होंने उसी दिन से मेहनत करनी शुरू कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नारा दिया गया 400 पार, तो होता यह है कि बेफिक्र हो जाते हैं लोग, 400 पार अब तो आ ही रहे हैं, तो उस तरीके से वो मेहनत नहीं कर पाए। मुरादाबाद के अंदर रुचि वीरा ने जिस दिन से उनको टिकट हुआ और जिस दिन से उन्होंने नॉमिनेशन कराया अपना, उसके बाद से वो लगातार कैंपेनिंग में, दिन में यहाँ है, 2 घंटे बाद कहीं, 4 घंटे बाद कहीं, रामपुर के जो सटे एरिया है जहाँ तक हमारी लोकसभा लगती है वहाँ पर है, भोजपुर में है, मुरादाबाद में है, करूले पे है, वारसी नगर में है, मतलब मीडिया को भी लग रहा था कि कहाँ, अच्छा वहाँ वहाँ तक पहुँचे, बोले यहाँ से निकल गई वहाँ चली गई, इस तरीके से उन्होंने कैंपेन की। और एक माहौल गठबंधन का बना हुआ था कि गठबंधन को वोट देना, गठबंधन को वोट देना। बात ये भी आई थी निकल के कि जो मौजूदा सांसद थे एसटीएसएन के, उनका टिकट नहीं मिला है, मुसलमान नाराज़ है, मुसलमान नाराज़ है, नहीं। मैं आपको परसों की बात बताऊं, जिस दिन रुचि वीरा जीती हैं, एक शख्स हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, उन्होंने एक मुखालफत की थी थोड़ी सी कि यार बताओ बाहरी प्रत्याशी लिया है, लेकिन वो उनका स्वागत कर रहे हैं, वोट उन्होंने भी उन्हें ज़रूर दिया होगा, तो ये तो फैक्टर रहा कि लोगों ने वोट दिया। और जब हम जिस दिन पोलिंग हो रहा था, हम लोग निकल रहे थे, तो हम देख रहे थे कि 4-4, 8-8 के ग्रुप में लोग जा रहे थे, वोट डाल के आ रहे थे, और साइलेंट वोट था, किसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा दे दिया वोट। तो इस तरीके से ये तो जीत का फैक्टर रहा कि वोट अच्छा पड़ा और गठबंधन को पड़ा, और उनकी जो रुचि वीरा की जो टीम थी, चाहे उसमें जिला अध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष ने बहुत मेहनत की, और भी जो उनकी टीमें थी उन्होंने मेहनत की और वो उनकी मेहनत कामयाब रही। रही बात भाजपा के यहाँ से हारने की, देखिए क्योंकि जब दो जगह फाइट होती तो एक हारता ज़रूर है, इसको भी आप नहीं नकार सकते कि सर्वेश सिंह जी 5 लाख से अधिक वोट लाए हैं, लेकिन क्योंकि उनका सभाओं में नहीं पहुँचना उनकी तबीयत की वजह से, ये एक फैक्टर रहा है कि वो पब्लिक सोचती है कि हमारा प्रत्याशी है नहीं, पता नहीं क्या बात होगी। कुछ मुद्दे ऐसे थे जैसे यहाँ पे कपूर कंपनी का पुल हो या महंगाई का मुद्दा हो कि भाई यार आपके सामने वोट नहीं देंगे, नोटा भी दबा है। दूसरी चीज़, मंडल की बात अगर की जाए तो संभल का अगर आप देखेंगे तो ज़ियाउर रहमान बर्ग जितने वोटों से जीते हैं वो भी एक रिकॉर्ड है, रामपुर की सीट भी एक रिकॉर्ड है, और
इन दोनों के पीछे यह है कि गठबंधन का एक माहौल बना हुआ था, समाजवादी के जो गठबंधन के जो साथी थे उन लोगों ने मेहनत की और वो उनकी मेहनत रंग लाई। मैं दो सीटों के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं एक नगीना वाली सीट की जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनकी सीट को मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक जनाजा जा रहा था, अंतिम यात्रा जिसे कहते हैं, जनाजा जा रहा था। तो मैं उस वीडियो में देख रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा कि वह तो उठ के गए और उसको कंधा दिया। लोगों को बड़ा अपनायापन महसूस होता है, अगर आप किसी के दुख में शरीक हो जाते हैं तो वो आपको अपना समझने लगता है। तो इस तरीके से मैंने देखा उन्होंने मेहनत की और कई सारी वीडियो, कई सारी मैं पोर्टल्स चैनल्स पे देख रहा था, मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा था कि लोगों ने कहा था कि नहीं आप कैसे चंद्रशेखर आज़ाद को ही जिताएंगे, और उन्होंने जीत हासिल की इतने बड़े मार्जिन से, नया पहली बार चुनाव लड़ा, ये सब मेहनत की बात थी। हाँ ये बात अलग है कि मुरादाबाद के अंदर हार और जीत की तो खैर होता ही है, दो जन जब लड़ते हैं आपस में जो चुनाव होता है, लेकिन हाँ रुचि वीरन ने इसमें मेहनत की है और उनकी मेहनत ये काम है, सफल हुई। वाहिद भाई मंडल की 6 लोकसभा सीटों में जिसमें से 3 के द्वारा इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल करी है, वहीं 2 एनडीए पे गई हैं और 1 आजाद समाज पार्टी पे गई हैं, तो क्या कुछ मानते हैं पूर्व मंडल की सीटों को लेकर? देखिए अगर मंडल की बात की जाए तो सबसे पहले मुरादाबाद से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए किसी भी हार का या जीत का एक फैक्टर नहीं हो सकता। अगर हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने ये कहा था कि हम संविधान बदल देंगे, वो एक फैक्टर नहीं हो सकता। अगर हम ये मान लें कि महंगाई एक मुद्दा है तो वो फैक्टर नहीं हो सकता। हम ये मान लें कि बेरोज़गारी एक मुद्दा है तो वो मुझे लगता है कि वो फैक्टर नहीं हो सकता। कई फैक्टर इसमें मिले हैं तभी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इतनी बड़ी शिकस्त यूपी में मिली है। ख़ासतौर से एक मुझे लगता है कि एक टिकट बंटवारा भी एक बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी की हार की जो वजह है, क्योंकि 10 साल से एंटी इनकम्पेंसी भी कहीं ना कहीं हावी रही। और अगर मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो संगठन था उसने मेहनत तो की, लेकिन 2014 और 2019 की तरह जो ज़मीन पर कार्यकर्ता दिखाई देते थे वो मुझे लगता है डोर टू डोर जो कंपेनिंग थी उनकी जो मजबूती थी मुझे लगता है कि उसे नहीं कर पाए, जनता तक नहीं पहुंच पाए। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट का एक मैदान में ना होना दुर्भाग्य है। सर्वेश जी हमारे बीच नहीं है, वो काफ़ी लंबे तक समय तक बीमार रहे और उनका फील्ड में आना भी एक मुझे लगता है कि बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हार हुई। और सबसे बड़ा फैक्टर मुझे यही लगता है कि इस बार जो हवा थी एक तरह से, जो आम जनता को जो उम्मीदें थी वो इंडिया गठबंधन के साथ थी। दूसरा मुझे लगता है कि जो रुचि वीरा जो प्रत्याशी थी यहाँ से गठबंधन की, वो जातीय जो फैक्टर था, सामाजिक फैक्टर था, उनके जो हस्बैंड थे वो ठाकुर थे और ख़ुद वो वैश्य समाज से थी, तो एक ये बड़ा फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मुस्लिम वोटरों का एकजुट होकर एक ही प्रत्याशी पर चले जाना, जो बिखराव होता था वो मुझे लगता है कि इस बार नहीं हुआ। और ये कमोबेश पूरे जितनी भी आपने सीटें बताई सभी जगह यही मुझे लगता है कि समीकरण बने हैं, जिसकी वजह से रुचि वीरा एक लंबे मार्जिन से पहली बार मुरादाबाद के इतिहास में किसी महिला सांसद एक मैदान में आई। और उन्होंने कहीं ना कहीं आपने देखा कि गवर्नमेंट कॉलेज पे जो स्पीच हुई, हालांकि उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया, इस तरह की स्पीच नहीं देनी चाहिए थी, तो उन्होंने एक जनता के बीच एक ये मैसेज दिया कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, आप मुझ पर एतबार कीजिए, भरोसा कीजिए। मैं जनता ने बखूबी वो एतबार दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, एतबार कीजिए, मुझे यह ना समझिए कि महिला हूँ। सही में महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण उन्होंने दिया और मंच से ललकारा। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरीके की स्पीच नहीं देनी चाहिए जिससे मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन मैसेज एक जनता तक वो पहुँचाना था कि हम भी किसी से कम नहीं है, भले ही हम विपक्ष में हैं लेकिन किसी से कम नहीं है। और जो फैक्टर थे मैंने बताया आपको कि एक मुस्लिम वोटरों का एक तरफ हो उसका जाना, जो लगातार जिस तरीके से बयानबाजी दी गई लोगों के बीच गई, वो कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिला और 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर। यकीनी तौर पर देखिए उनके सिर्फ बोलने से कहने से मुझे लगता है कि कुछ नहीं होता, समझना। एक तो जो इंडिया गठबंधन था, जो उनका जो अलायंस थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उसे इंडिया गठबंधन का जो धर्म था उसे पूरी तरीके से निभाया, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ हों, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथ हों, सब समाजवादी पार्टी के तो थे ही, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन के धर्म को भी पूरी तरीके से निभाया है। और आखिर चुनाव वाले दिन जिस दिन काउंटिंग थी, काउंटिंग वाले दिन सभी ने ज़मीनी स्तर पर मेहनत की,
वोटरों को बूथ तक लेकर गए, पोलिंग बूथ तक लेकर गए, जो उनकी जिम्मेदारी थी उसे पूरा किया। उसी का नतीजा सामने आया कि 1 लाख से अधिक वोटों से रुचि वीरा को जीत हासिल हुई है। और कमोवेश मुझे लगता है कि जो पूरा सेनेरियो है वो जो मुस्लिम वोटरों का एक जो बड़ा धड़ा था, यानी पूरा का पूरा 90% मुझे लगता है कि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को गया। बिल्कुल, मेरे द्वारा मुरादाबाद के तमाम पत्रकारों से बात की गई है, जिनसे मुरादाबाद मंडल की 6 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें 6 लोकसभा सीटों को लेकर पूरी जानकारी मुरादाबाद के पत्रकारों के द्वारा दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।